वाराणसी में लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। कई घाट पानी में डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से वाराणसी और प्रयागराज में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हैं। रविवार को भैंसासुर घाट तक पानी आ गया। प्रशासन की ओर से गंगा के किनारे बसे निचले इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। शहर के एक बड़े हिस्से के अलावा बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या भी बढ़ गई है। बाढ़ में करीब लगभग 500 हेक्टेयर फसल डूब गई है। बाढ़ का असर सब्जियों की आपूर्ति और उनके दामों पर भी पड़ा है। सब्जियां कम आने से मंडियों में आपूर्ति घटकर आधी हो गई है। कई सब्जियों का थोक भाव 1.5 से 2 गुना तक बढ़ गया है। न केवल वाराणसी बल्कि प्रयागराज में भी सब्जियों के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सब्जियां शहर तक ना पहुंच पाने से जिन सब्जियों के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है उनमें लहसुन, टमाटर, आलू, बैंगन, हरा धनिया, भिंडी, करेला शामिल है। टमाटर के दाम लगभग 50 रुपए तक पहुंच गए हैं। आलू भी 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए किलो में मिल रहा है। लहसुन के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लहसुन 220 रुपए किलो में मिल रहा है। बाढ़ की वजह से सब्जियां 50 से लेकर 120 रुपए किलो तक बिक रही हैं। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।